जन गण मन अधिनायक जय है भारत के भाग्य विधाता पंजाबी सिंध गुजरात मराठा त्रावील उच्च कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उजल जल तिरंगा तबे शुभ नामे जागे तबे शुभ आशीष मांगे गाए तब नया गाता जन गण मंगल दायक जय सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। मॉडर्न पटना सेंट्रल स्कूल जहानाबाद के प्रांगण में 77वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। स्कूल के निर्देशक शरबत सलीम ने इस मौके पर झंडा तोलन के बाद अपने स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आज के ज़माने में पूरी दुनिया में शिक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा है। खासकर बेसिक स्तर पर बच्चों को बहुत ही बारीकी से शिक्षा देने की ज़रूरत है। इसमें जितनी जिम्मेदारियाँ स्कूल के टीचर की है, उतनी ही जिम्मेदारी बच्चों को अपने घर रहने के दरमियान गार्जियन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इसलिए हम जितनी बेहतर तालीम देंगे, विद्यार्थी बड़े होने के बाद उतनी ही जिम्मेदारी से देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। स्कूल में स्वतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों में कुंदन सर, निक्की मिस, गुड़िया मैडम, साहिबा मिस, भोला सर, मिश्रा सर, रविशंकर सर, नेहा मिस, आशिया मिस, सीता मैडम, फरहत मिस, अफसाना मिस, सुषमा मैडम, विवेक सर, सफ़ी सर, नौशाद सर, अब्दुल कादिर सर, उजमा मैडम, जियारा मिस, शबनम मिस सहित सैकड़ों बच्चे मौजूद थे। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए क्या संदेश है सर? मैं डायरेक्टर सरवर सलीम, मॉडर्न पटना सेंट्रल स्कूल। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासी, बिहारवासी, जिलेवासी तमाम लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हम तमाम लोग जिस प्रकार भारत को हमारे महान महापुरुषों ने आज़ादी दिलाया और जो कार्य बचे हुए हैं उसका हम लोग सच्चाई से निर्वाहन करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि आज देश के तमाम जगह पर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, सभी जगह पर तमाम धूमधाम से बच्चे लोग आज नए नए कपड़े पहनकर जलेबियां खाते हैं और देश के तमाम लोग, बूढ़े बच्चे, नौजवान, सभी लोग एक खुशियां महसूस करते हैं। ये जो खुशियां हमें मिली है, ये हमें उन महापुरुषों का दीन है, वैसे महापुरुषों का दीन है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं किया, उन्होंने अपनी परवाह नहीं किया, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ लौटा, निछावर कर दिया। वैसे महापुरुषों को हम लोग सैल्यूट करते हैं, उन्हें आज याद करते हैं। न जाने इसमें कितने बहुत सारे बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, महिलाएं भी थीं, बहुत सारे लोग का, सभी लोग का एक साथ था, सभी धर्म के लोग एक साथ थे और एकता में हमारी वो ताकत थी जिसके बदौलत हम लोग अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंका, हम लोग अंग्रेज़ों को बाहर किया और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हम वैसे महापुरुषों को कभी नहीं भूल सकते हैं और हम लोग ऐसे मौके पर याद करते हैं
और हमें भी चाहिए कि भारत को जिस प्रकार महापुरुषों ने आज़ादी दिलाई है, हम लोग इसे इज्जत के साथ बनाए रखें, आपसी भाईचारे के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका देते रहें। धन्यवाद।